वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज है फ्राइडे और फ्राइडे का जो दिन है वो होने वाला है थोड़ा सा परेशानी वाला, क्योंकि आज डुगू को लगने वाले हैं उसके वैक्सीनेशन। और जिस दिन डुगू को वैक्सीनेशन लगते हैं उसके उसके एक दिन, और पिछले बार जो फ्लू का था उससे कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ गया था उसे, लाइक 2 दिन कम से कम उसकी तबीयत खराब हुई। तो अभी मैं बालकनी में आई थी, मैंने अपने जो प्यारे प्यारे पौधे हैं उन्हें मैंने पानी दिया है। तो जब हम लोग बांधवगढ़ गए थे तो वहाँ पे हल्के हल्के से सूख गए थे जब आए थे हम लोग, पर अब जो है ये वापस से खिल गए। सबसे अच्छा पौधा जो है वो ये है, ये कितना अच्छे से खिला पड़ा। फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और ये वाला सूख गया था, पर अभी इसमें से एक फूल आ गया है तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। और बाकी के जो हैं ये तो फल फूल ही रहे हैं घर में। यहाँ पे डुगू के जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, सूख गए हैं, वो कपड़े इसके अरेंज करने, इसके लिए एक अलमारी करवानी पड़ेगी। बोझो गूगल का घर बनेगा एक। हाँ ये अभी मैं मार्च तक इनका घर बनना है, बोझो गूगल का। तो इन लोगों के लिए घर बनना है, हम लोगों के लिए भी एक घर बनना है। तो यहाँ बनना है डुगू का लंच, ये है दलिया, इसे मैं फॉर्मूला के साथ दूंगी। तो इसे अभी देखिए थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा है, तो इसे थोड़ा पका रही हूँ, साथ में ना मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी मिक्सी में। तो चलिए अब इसको ग्राइंड करते हैं, उसका जो लंच है वो तैयार कर देते हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30 और डिब्बू को इंजेक्शन का टाइम हो रहा है। डिब्बू बहुत डर लग रहा है ना, बहुत डर लग रहा है ना डिब्बू, डर लग रहा है आपको? आज कहीं कहा कितना डर लग रहा है, डरे डरे घूम रहे हो आज पूरे घर में, डरा डरा घूम रहे, डरे डरे घूम रहे हो आज। तुम गुच्छा हाल ही नहीं लगवाना, आपकी 7 तारीख डेट थी, आज 11 तारीख हो रही। वैसे 1-2-4 दिन ऊपर और नीचे होने से कुछ नहीं होता, हम लोग लेट आए थे उस टाइम। 7 तारीख को हम बांधवगढ़ से लौट रहे थे, फिर थोड़ा सा अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ मेंटली प्रिपेयर होना, बच्चे का इंजेक्शन है, बच्चा परेशान होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या आया। जिस दिन इसका इंजेक्शन का दिन होता है ना, उस दिन से मुझे लोना शुरू होता है कि बाप रे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो देखो डुगू कैट्स, डुगू कैट्स, बस कैट्स लगाना बचा था। हम लोग आए हैं कैट सॉरी गाय देखने, तो आज डुगू की दादा दादी घर पे नहीं है, किसी के यहाँ पे गए हुए हैं, तो अभी वो कब तक आएंगे पता नहीं है। आदि का स्विंग हमने यहाँ रख दिया है क्योंकि बाहर मच्छर भी हो रहे हैं और हल्की हल्की ठंड भी हो रही है, तो हम लोग के सामने ही खेलता रहेगा, काम कर रहे हैं। मैं चाय बनाऊंगी ना तब तक, है ना, एंजॉय करेगा जब ऐसे नींद आएगी। तो मिस्टर मयंक सिंह सुना देंगे, क्या कर रहे हैं आप? डुगू भैया का स्टार जला रहे हैं। तो क्या है ना, इससे ये खुश और रहेगा। मामा मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, चलो हम चाय बना रहे हैं। बाय बाय, दिख रहा है उसको सामने, देखो ऊपर। ओए होए, ये तो ज्यादा अच्छा नजारा है। आने में चमकी तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, ओ देखो कितने प्यारे प्यारे खुश। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे जितनी हॉबीज जितनी चीजें हैं वो घर बैठे बहुत ही आराम से सीखे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म शेयर करने वाली हूँ, जो कि है येलो क्लास। येलो क्लास है इंडिया का बिगेस्ट लाइव एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, जिसमें आपके बच्चे डिफरेंट टाइप की हॉबीज सीख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे 3 से 16 साल तक के बच्चे डिफरेंट हॉबीज सीख सकते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग एंड मच मोर। यहाँ पे आपको मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज जैसी क्लासेस भी मिल जाएगी। येलो क्लास है एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर मोर देन 20 लाख ऑफ किड, और यहाँ पे हर महीने मोर देन 10 लाख ऑफ किड वेरियस हॉबीज सीखते हैं। येलो क्लास में आपको जो सारी क्लासेस मिलती हैं वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 1 से 1 अच्छे मेंटोर जो कि आपके बच्चों को
हेल्प करते हैं फॉर लर्निंग द हॉबीज। एक और अच्छी बात, यहाँ पे आपको सेलिब्रिटी मेंटोर्स भी मिलते हैं जैसे कि शान, रिपु दमन हांडा, जो आपके किड्स को हेल्प करते हैं फॉर लर्निंग द हॉबीज। साथ में एक और अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, हॉबीज सीखते सीखते आपके जो बच्चे हैं वो हर महीने डिफरेंट प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टेशन, एप्पल आईपैड, बाइसाइकिल, अमेजोन वाउचर, इसी तरह के बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस। साथ में आप अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड में जाके इस ऐप के। अब मैं आपको जल्दी से फेब्रुअरी कॉन्टेस्ट के बारे में बता रही हूँ। फेब्रुअरी के कॉन्टेस्ट में आपके बच्चे जीत सकते हैं एप्पल आईफोन 13। अब आपको क्या करना है यही मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको क्या करना है टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाउनलोड करनी है। वहां से आपको स्टार्ट करना है अटेंडिंग क्लासेस, तो आपको अपने बच्चे की जो क्लासेस है वो अटेंड करानी शुरू करनी है। आपको जल्दी से जाके जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वो डाउनलोड करनी है और वहां से स्टार्ट करना है अपने बच्चे की हॉबी सीखने की जर्नी। जो बच्चे इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, यानी कि ऐप डाउनलोड करके हॉबी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे टू पार्टिसिपेट इन फेब्रुअरी कॉन्टेस्ट। तो जल्दी से जाइए और लिंक डाउनलोड करिए और अपने बच्चों की जो हॉबीज है, साथ में मैथ्स, जीके, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बच्चे घर बैठे आराम से सीख सकते हैं और साथ में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट मेंटोर के थ्रू आपके बच्चे जो है ये चीजें सीख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और येलो क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए। तैयार हो रही थी, हाँ तो मैं तैयार हो रही थी और मैंने फाउंडेशन लगाया, मेरा फाउंडेशन इतना पैची हो गया, मेरी स्किन ना यहाँ से बहुत ज्यादा खराब हो गई, मुझे बहुत ज्यादा दाने दाने, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये देखिए ये यहाँ पूरे, फिर मैंने स्क्रब किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि मे बी डेड स्किन है क्या है, फिर मैंने मॉइस्चराइजर लगाया और मैंने लाइनर लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगा के रखा, मॉइस्चराइजर लगा के रखा, ये देखिए कोई स्किन दिख रही है। निकल रहे हैं यहाँ से, इसका वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो ले लिया गया है, डिगो इज ऑल सेट टू गो। हे कैसा लग रहा है, आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मम्मी, डर देता हूँ मुझे बहुत। नहीं नहीं आता, बहुत ही बहादुर शेर है। तो चलिए बस निकल रहे हैं यहाँ से और इसको इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर इंजेक्शन के बाद के साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे रहते हैं। लोग पहुंच गए हैं, राजा इसको बर्फ दे रहे हैं। देखिए फिल्टर के बाद स्किन कितनी अच्छी लगती है, मैं मोबाइल से शूट नहीं करती, कैमरे से शूट करती हूँ तो मेरी पूरी चेहरा जो है वो गंदा दिखता है। देखिए इसमें शाइन आ रही है, मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, अगर मैं ऐसे में मेकअप वीडियो बनाऊंगी तो शायद मेरा मेकअप बहुत अच्छा आएगा, पर कुछ भी रियल नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं और इसको इंजेक्शन लगवाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर जो है उसके वाले नहीं मिले, हम वही वाले पे लगवा रहे हैं जहाँ पे इसको पहले लगवाया था। फिंगर क्रॉस, बेबी रोए ना। ये रहा आज कंबल, हाँ क्यों आज की आंखें नहीं दिख रही, थोड़ी सी टोपी ऊपर कर दो, चलो बेबी चलो। तो ये है हॉस्पिटल और हम लोग पहुँच गए हैं इसका वैक्सीनेशन कराने। इसलिए रहा कि वो चल रहा है, क्या बोलते हैं कुछ टीवी में चल रहा है, क्या चल रहा है, आठ आठ आठ। हाँ जी टुक, हो गया है डुगू का वैक्सीनेशन। ओह माय गॉड, और डुगू थोड़ा सा ये बहुत देर तक तो रोया नहीं है ना, मैं देख रही थी कि आज रोने नहीं वाला है, फिर थोड़ा सा रुक के शांत हो गया। तो बस इंजेक्शन लग गया, वेट इसका कितना हो गया, 9.75। तो वही 9.5 कितना था, 8.9, ज्यादा नहीं बढ़ा है ना एक महीने में, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, डॉक्टर कहते हैं 6 महीने के बाद से ग्रोथ थोड़ी सी धीरे धीरे होती है, तो वेट एकदम प्रॉपर है इसका, मतलब 10 का पड़ हो जाएगा अभी 15-20 दिन में। सेम थिंग डॉक्टर ने कहा है कि सैडलैक नहीं देना है और दूध बिस्किट नहीं देने हैं, जबकि सैडलैक मैंने इसे एक बार दिया है जो हम बाहर गए थे अभी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, वो क्या बनाती मैं ऐसे नहीं दे रही। चलिए हाय हो गया, बहुत बड़ा काम हो जाता है। क्यों बोला लेट, आप 21 अप्रैल है पता नहीं यार, अब इसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगना है 21 अप्रैल, बहुत टाइम है अभी तो, है ना, मार्च हो गया, अच्छा 21 अप्रैल, दो महीना है
है ना, 2 महीना है बहुत, अभी 1-2 दिन है। डॉक्टर ने बोला अभी जाके से 2.5 ml पिला देना, 99 के ऊपर आना चाहिए, फीवर आना इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर बच्चे को होता है तो उसको हमेशा ही आया है। और हम प्राइवेट में लगवाते हैं और अभी तक इसके बहुत सारे पैसे लग चुके, पेनलेस पेन वाला डॉक्टर पता नहीं क्यों नहीं कंसिडर करते, पर डॉक्टर कहते हैं कुछ लोग आंगनवाड़ी में भी लगवाते हैं जो कि अच्छी चीज़। राजा के बहुत सारे दोस्त आई मैक्सिमम सभी ने वहीं पर लगवाया कि दोनों जगह ही सही है, आप जो भी प्रेफर करो आपके लिए सही है। सच में नहीं आया वहाँ पे वो सेम वैक्सीनेशन सेम होता है आंगनवाड़ी में? हाँ सेम होता है, जहाँ तक है सेम ही होता है। तो हम लोग प्राइवेट में क्योंकि इसको लगवा दिया तो फिर हम लोग का मन नहीं माना तो फिर हमने इसे यहीं प्राइवेट में लगवा लिया। लो थैंक यू सो मच। तो हम लोग आ गए हैं, डोको को मेडिसिन दे दिए, डोको को भी रेस्ट कर रहा है वो जो है। क्या हो गया? थोड़े से नहीं करूंगी। मेरी जो हाउस हेल्प है वो 5 दिन के लिए जा रही है यार, काफी ज्यादा। 16 से 21 को पर से धोना है किचन का कपड़ा। ये हाँ, ये बड़ा वाला ले लो, ऐसे करके कोई चीज़ में डाल दूँ, सोखना पड़ेगा, सोख कर करके ना। हाँ। सारी बॉटले हो गई यहाँ पर, तो पूरे घर धोनी पड़ेगी। बॉटल जो है वो गर्म पानी में डिप करके और गैस ऑन कर दिया, अभी थोड़ी बॉइल होंगी और इस बीच में ऐसा खाना बना रही हूँ, फिर मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी। हाजिर हो गई है, यहाँ पे मैंने दाल रख दी है और ये है इसका दलिया भुना हुआ। तो जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इसे रोटी दे सकती हूँ, मैंने रोटी का पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही बोला दाल रोटी वगैरह दीजिए। मैं तैयार कर रही हूँ गोलगप्पे का आटा। तो हम लोग की हैबिट ऐसे, मतलब मेरी नहीं है, राजा तो ऑब्वियसली चिकन वगैरह जो भी खाते हैं वो मंगाते हैं, मेरे को पता नहीं बाहर गोलगप्पे वगैरह नहीं खाती, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम तो मुझे पता ही नहीं। और ऐसे जैसे खाना खाना होता तो हम लोग अगर रिसोर्ट चले गए तो वहाँ पे खाना जो मिलते हैं विजन में खाया था, और आपको पता है विजन में लास्ट टाइम वहीं पे मैं खाती थी जाके, लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से याद है जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था उसके अगले दिन हम लोग आई थिंक गए थे और उसे मैं बहुत खुश थी। तो उसके अगले दिन हम लोग गए थे और वहाँ पे क्या बोलते हैं खाया था मैंने लास्ट टाइम बाहर बैठ के खाना ऐसे, वरना रिसोर्ट वगैरह में तो अलग है, पर हाँ अगर स्पेशली आप जाते हो तो। अभी मैं जो है 250 ग्राम सूजी है, ठीक है, इसको हम ना उसके लिए भी करेंगे, लाइक इसका खाना बन गया है भाई। हाँ तो इसको मैं भून रही हूँ, तो जिन जिन को रेसिपी देखनी है वो देख सकते हैं, और बाकी तो मैंने डाल के भी रख ली, कई बार डाली है। और आज मेरे पास मैदा नहीं है, जब आपके पास घर में मैदा ना हो तब आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास मैदा नहीं है तो आप मैदे की जगह आटा डाल सकते हो। तो अभी मैं इसमें आटा डालूंगी अराउंड 1.5 स्पून, जो नॉर्मल अभी खाने वाली स्पून होती है। आटा सिर्फ इसलिए हम लोग डालते हैं कि ये बाइंड हो जाए और अच्छे से बन जाए। अब मैं उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, इतना समय इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं है, अब दिख रहा है हाँ। तो इतना मैं इसमें खाना सोडा डाल रही हूँ। नमक आपके ऊपर है आपको डालना है या नहीं डालना है, मेरे को अच्छा लगता है गोलगप्पे में नमक, तो मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें। मैंने शाम में छोले भिगो दिए थे, मैंने अभी आके इमली भिगोई है, तो मैंने गर्म पानी में डाल दिया लाइक निवाए पानी में, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी फूल जाएगी। फाइनली मैं चाय बनाने वाली हूँ, या मैंने एक बर्तन रख दिया, इससे मैं इमली जो है वो छानूंगी, फिर मैंने अलग से पहले निकाल के रख दी, कढ़ाई रख दी इसमें गोलगप्पे तलने, और ये जो है फिर ऐसा खाना भी देख लिया जाए, चाय भी पिला दी जाए, एकदम हेल्दी दलिया एंड मूंग दाल की खिचड़ी। थैंक यू सो मच। और इसमें से आधी मैं खा लूंगी खिचड़ी, आधी डुगू खिलूंगी, काफी सारी बन गई है। तो मेरे को पता नमक वाला खाना था, नमक डाल के प्लेन खाना होता, उबला हुआ खाना। लो टॉफी लो, अब मैंने चाय जो है वो फाइनली चढ़ा दिए। चाय चढ़ाने के बाद मैं कुछ छोटे छोटे से काम होते हैं रसोई के वो करूंगी, ताकि
जितने भी काम है वो टाइम से निपटे रहें और मुझे इजी रहता है। तो मैं जो मिर्ची है उनके डंटल तोड़ रही हूँ, और ये जो है ना ये फ्रिज की ड्रॉर्स है, आई थिंक मैंने आपको किसी हॉल में दिखाई थी, तो मैंने ली थी। ये बहुत इजीली हो जाती है आपके फ्रिज से कनेक्ट। एंड देन मैं जो चीज़ें हैं ना लाइक अदरक लहसुन और मिर्ची, उन्हें सॉर्ट करके रख रही हूँ। तो मैंने जो मिर्ची उनके डंटल तोड़ दिए, तो जब हम मिर्ची के डंटल तोड़ देते हैं तो बहुत टाइम तक चलता है। इसी तरह से मैंने जो लहसुन है वो पूरी खोल खोल के उनकी कलियाँ निकाल के रख दी है। बहुत ही ईजी है मेरे लिए आने वाले टाइम में जब मेरे को यूज़ करना है, तो थोड़ी थोड़ी मैं लेती रहूँगी और छीलती रहूँगी। तो बहुत सारी थी ये, तो ये राजा भी जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं। राजा बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्प करते रहते हैं, बहुत ही अच्छे हस्बैंड है मेरे, सीरियसली टच वर्ड। तो अभी हम लोग जो है किचन में ही काम कर रहे थे, डुकू इस टाइम पर सो रहा था। उसके बाद देखिए तीनों चीज़ें हो गई हैं, अब मैं इन्हें जाके फ्रिज के ड्रॉ मतलब फ्रिज में जाके लगा दूँगी, और यहाँ से जिससे भी हमें चाहिए होगा तो हम इसे निकाल निकाल के यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद फिर जो चाय है वो रेडी हो गई है, राजा को मैं चाय दे दूंगी बेडरूम में, राजा वहाँ पे पी लेंगे, और जो मैं चाय लूँगी किचन के अंदर ही, क्योंकि मुझे जो मटर थी वो भी छीन ली थी, तो मैं वहीं पे खड़े खड़े इतना टाइम नहीं था कि मैं आराम से बैठूँ और चाय के मज़े लूँ। ऐसा होता है कि आप बहुत ही रेयर, मैं सिर्फ सुबह चाय के मज़े लेती हूँ, उसके बाद मैं कभी चाय के मज़े नहीं ले पाती पूरे दिन में। तो यहाँ पे जो मटर है वो छील के रख रही हूँ, ताकि ये मैं अपने नेक्स्ट डे के लिए जब भी मुझे यूज़ करनी हो तब मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। अब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है टाइम, और अब मैं इसे थोड़ा सा वो कर ली, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधा घंटा हो चुका है आटे को, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, और उसके बाद मैंने तेल लगाया है, और तेल लगाने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से मांड लूँगी। यानी कि आप जैसे आटा गूंथते हैं तो एक बार अच्छे से मतलब लोच लगा देना है इसमें, ताकि जो सूजी है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाती है आफ्टर, अगर आप 2-30 मिनट के लिए आटा रख देते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ बना रही हूँ क्योंकि गोलगप्पे बनाने, कुछ लोग बहुत बड़ी लोई बना के उसे काट काट के बनाते हैं, पर जो कॉर्नर्स रहते हैं ना वो थोड़े मोटे रह जाते हैं। पर अगर आप बेल बेल के बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही रहते हैं, कि जो गोलगप्पे हैं बेशक थोड़े इधर उधर बने लाइक एकदम गोल गोल ना बने, जो पूरी रोटी रहती है वो पतली पतली ही बनती है, इवन कॉर्नर्स से मिडल से तो इक्वली जो है वो बेल जाती है। तो मैं छोटी छोटी सी जो पूरियाँ हैं जो कि लोई जो कि गोलगप्पे के लिए हैं, छोटी छोटी सी पूरियाँ हैं वो आपको बेल लेनी है। मैंने पूरियाँ ही बोलती, छोटी छोटी सी रहती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है, घर में बना के खाइए, सेफ एंड हाइजीनिक गोलगप्पे। बाहर थोड़ा सा रिस्की रहता है गोलगप्पे खाने, तो यहाँ मैंने एक सेट उतार दिया था। अब मैं जल्दी से बताती हूँ कि गोलगप्पे एकदम आपको अच्छे बनाने तो कैसे बनाने हैं। तो आपको जो ऑयल है वो एकदम गरम कर लेना है, लाइक एकदम गरम, उसके बाद एक एक गोलगप्पा डालना है, और साथ में जो करछी है उसे हल्के हल्के हाथों से लगाना, फोड़ना नहीं है गोलगप्पा। तेज आँच पे गोलगप्पे डालिए, उसके बाद फिर आपको एकदम मंदी कर देनी है गैस, ताकि वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अगर आप मंदी गैस पे गोलगप्पे डालेंगे तो वो नहीं फूलेंगे। तो आप देखिए एक एक गोलगप्पा जो है वो फूल के आ रहा है, और गोलगप्पे का मतलब यही है कि गोल गोल गप्पे, यानी मोटे मोटे गोल गोल जिसमें आप पानी आराम से भर पाए। तो मैंने गैस सिम कर दिया ताकि जो गोलगप्पे हैं वो हमारे सिक जाए आराम से, कुरकुरे हो जाए। और यहाँ पे मैं ना यहाँ पे इस तरह से रख देती हूँ ताकि जो ऑयल है वो भी अच्छे से ड्रेन हो जाए, क्योंकि गोलगप्पे में कई बार तेल भी भर जाता है। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो ड्रेन करने के लिए मैंने रख दिया है। इस बीच जो डुगू है वो भी उठ गया था, तो चलिए डुगू के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो ब्लॉग का लेटेस्ट अपडेट ये है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है कितना मेकअप करके जो मैंने मॉइस्चराइजर लगा रखा हो। तो नहीं, ये जो है यहाँ पे बन रहा है गोलगप्पे, जो गोलगप्पे हैं ये देखिए इतने बन गए हैं, इतना भी वो है ये है, और ये है हमारा बच्चा। हाय बेबी, आपने तो इतना शान निकाल लिया, क्या हुआ? हाँ बाबू, हाँ क्या हो दिया आपको? हम गोलगप्पे बना रही है, आप खाओगे? खाओगे? खाओगे गोलगप्पे? खाओगे? हाँ, आप गोलगप्पे खाना चाहते हो? आप तो खुले से बड़े गोलगप्पे हो, इतने प्यारे प्यारे गोलगप्पे आप है ना। अरे मेरा बच्चा, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, ये जब बात करता है जब आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है, मेंटेन करो। चले उन लोग, हाँ भूख लगी आपको? खुश हो रही है इंजेक्शन लगवा के?
उसके बाद डुगु खेल रहा था, इसी बीच में मैंने जो है पानी की तैयारी करी है। इसमें मैंने धनिया एंड हरी मिर्च डाली है, आप पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये मैंने पीस के इसका जो वो था वो निकाल लिया है। और अब मैंने यहाँ पे इमली डाली है, इमली को एक बार ही चलाना है आपको मशीन में, क्योंकि बीज होते कड़वा हो जाएगा पानी, तो आपको पल्प जो है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है अगर मिक्सी में एक बार कर देते तो। इस तरह से देखिए घुल गया ये। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए पल्प जो है वो पूरा निकाल लेना है, मतलब इस तरह से आपकी जो इमली है उस पर किसी भी तरह का खट्टापन नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरी इमली आपको यूज़ करनी है। ठंडा पानी बर्फ़ डाल लीजिए, या आप क्या बोलते हैं बर्फ़ डाल सकते हैं, ठंडा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी पूरी मसाला भी डाल रही हूँ इसमें, ये अगर आप सिंगल लेते तो जलजीरा टाइप का लगता है, इसलिए मैं इसे प्रॉपर डालती हूँ और जो अपना पानी है वो अपने तरीके से बनाती हूँ, पैसे डाल लेती हूँ मैं। इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है और आपको इसमें डालना है प्लेन सॉल्ट, साथ में आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं रेड चिली पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं डालती, मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ इसमें। उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर जो है वो डाल देंगे, भुना जीरा पाउडर। यहाँ पे साथ में जो डुगू है उसका खाना भी है, वो भी तैयार कर दिया है मैंने, पीस लिया है खाना। और अब मैं पहले डुगू को खिलाऊंगी, उसके बाद हम लोग जो है वो गोलगप्पे इन्जॉय करें, क्योंकि डुगू का खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे डुगू जो है वो खाना इन्जॉय कर रहा है, उसे ये वाली खिचड़ी दलिया और दाल और मतलब घर का खाना उसे बहुत पसंद है। अगर मैं उसे सैड लेके एक बार जब मैंने उसे पिलाया था ट्रिप में तो उसे तब पसंद नहीं आया था, बट उसे घर का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही अच्छे से वो खाना खा रहा था और राजा मैं बात कर रहे थे। अब खाना खिलाने के बाद मैं जाऊँगी अपने बाकी के काम करने। यहाँ पे मैं आलू और छोले का जो मसाला है जो गोलगप्पे में भरना है वो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो आलू है वो मैश कर लिए हैं, उसके बाद जो छोले मैंने बॉईल करे थे वो ही मैं मैश कर लूँगी। नाउ आप इसमें भी हरी मिर्च, इसमें भी आप लाल मिर्च डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ डाल सकते हो, पर मैं इसे प्लेन ही रखती हूँ। नमक डालती हूँ और मैं इसमें चाट मसाला डालती हूँ, दैट्स इट। मुझे इतना ही पसंद आता है ऐसे ही वाला ही, आप जिसका जैसी प्रेफरेंस वो वैसे खाए। अब मैं जल्दी से जो गोलगप्पे हैं भरूंगी और उसके बाद मैं इन गोलगप्पों को एंजॉय करने वाली हूँ। देखिए एक एक गोलगप्पा कितना फूला फूला क्रिस्पी बना है, और क्रिस्प आपको अभी आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कितना ज़्यादा क्रिस्पी ये बना है। कि मैं भी यहीं पे खा रही हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं थोड़ा सा लगा के लेके जा रही हूँ। जब भी मुझे घर में फुलकी खाने का मन करता है तो मैं इसी तरह से बना के खा लेती हूँ। अब मैं इंजेक्शन वाले एरिया पे बर्फ की सिकाई कर रही हूँ, और ये जो सिकाई है ये इसको थोड़ी राहत भी देगी और बहुत ज़रूरी भी है आफ्टर इंजेक्शन आपको अपने बच्चे को सिकाई करना। और यहाँ पे इसने मेरे पर पी कर दिया था, जो कि मैं अभी कपड़े जाके चेंज करने ही है मुझे, क्योंकि कपड़े ही पहने हुए और ये पी कर देता है मेरे पर इस तरह से। उसके बाद मैं इसे क्रोसिन सीरप दे रही हूँ ताकि अब मैं इसे सुला दूँ। तो यहाँ पे जो डुगू का काम है वो भी हो गया है, तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं, चलाइए देखें सो जाएंगे। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और डाउनलोड करिए येलो क्लास को और विन करिए अमेजिंग प्राइजेस।